जिंदगी की एक सच्चाई, आप कब सही थे ये लोग याद नहीं रखते, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। इसीलिए लोगों का चक्कर छोड़ दो और अपने आप को सफलता की दिशा में मोड़ दो। हार कर, रो कर और डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जिंदगी भर रोते ही रहोगे। और दोस्त, दिखावा करना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि दिखावे से सिर्फ कुछ देर का ही सम्मान मिलता है, लेकिन जब हकीकत सामने आ जाती है तो इज्जत दो कौड़ी की हो जाती है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। सफल व्यक्ति 500 रुपए की शर्ट पहनता है तो वो 5000 की लगती है, और असफल व्यक्ति 5000 की शर्ट पहनता है तो भी वो लोगों को 500 रुपए की ही लगती है। इसीलिए खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत कीजिए, दिखावे के लिए नहीं। बहुत सोच समझ कर उन लोगों का चुनाव कीजिए जिनके साथ आपको समय बिताना है। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि दुनिया में हर कोई आपका शुभचिंतक है, हर कोई आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, आपकी सफलता में खुश होता है, तो मैं आपको बता दूं, लोग चाहते होंगे कि आप बेहतर करें, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे भी बेहतर करें। कभी कभी हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं, और यही बात हमें जीवन में सबसे ज्यादा दुख देती है। इसीलिए जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो तो अकेले रहकर करो, क्योंकि जो अकेले चलते हैं उनकी रफ्तार दूसरों से कहीं अधिक होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद को दूसरों से अलग कर लें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अकेलेपन का शिकार हो जाएं। दोस्तों, दुनिया में जीना है तो दुनिया के साथ तो रहना ही पड़ता है, लेकिन फिजूल की दुनियादारी से दूरी बना लेना ही समझदारी है। कसम खा लो, भाड़ में जाए दुनियादारी, हम करेंगे अपनी जीत की तैयारी। सिर्फ सपने देखकर खुश होना खुद से बेईमानी करना है। सफल होने के लिए सहनशील होना और मेहनत करना बहुत जरूरी है। हिरण के दौड़ने की गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा है और शेर की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर भी शेर हिरण का शिकार कर लेता है, क्योंकि हिरण के मन में एक डर होता है कि हम शेर से कमजोर हैं। वही डर उसे बार बार पीछे देखने पर मजबूर करता है और ये उसकी गति और मनोबल को कम करता है, और हिरण उस शेर का शिकार बन जाता है। आपके पीछे तो कोई शेर नहीं पड़ा, फिर आप क्यों पीछे मुड़कर बार बार देखते हो? क्यों पुरानी बातों को याद करके दुखी होते हो? क्यों गलत लोगों को अपनी जिंदगी में आने का मौका देते हो? वीडियो के अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, एक ही जिंदगी मिली है, इसे फालतू मत जाने दो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके अंदर बहुत काबिलियत हो, लेकिन जरूरत है तो बस अपने अंदर छुपी उस काबिलियत को पहचानने की। तो अपने अंदर छुपी काबिलियत को ढूंढने में लग जाओ, और याद रखो, इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं होता। बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।